अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अक्सर शेयर करेंगे जी बहुत ही जबरदस्त सी बीफ बिरयानी, वो भी हमारी मामा के स्टाइल में। चलें आज देख लेते हैं रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बीफ बिरयानी, वो कैसे बनाते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने ले लेना है गोश्त। वो हमने प्रेशर कुकर में उबाल के रख लिया है। वो हमने पहले, हमारा प्लान नहीं था कि रेसिपी बनाएं, फिर हमने सोचा चलो बना लेते हैं, कोई बात नहीं। कढ़ाई में हमने ऑयल डालना है, उसमें 3-4 डालनी है काली मिर्च और लौंग, और ये देखें प्याज भी डाल लिए हैं, वो अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं। इतने हमने ब्राउन कर लेने हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। उसके बाद जनाब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। हाँ, ये आप ट्राई करिएगा, रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्ती बनने वाली है, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद मसाले जाएंगे। ये सुरख मिर्च है और दादर मिर्च है, हल्दी है और कसूरी मेथी है और नमक जाएगा, ठीक है। मसाले आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। प्याजों को हमने अच्छी तरह से ब्राउन कर लिया है। उसके बाद हमने डाल लिए हैं आलू, ठीक है। गोश्त को हमने उबाल के साइड में रख लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने डाल दिया है इसमें एक बिरयानी मसाले का पैकेट और थोड़ा सा मोटा कुटा हुआ सूखा धनिया, ठीक है। हाँ, तो साथ ही हमने क्यूब्स डाल लेने हैं टमाटर के, 3-4 क्यूब्स ये भी हैं, और इसको सारे मसाले डाल के अच्छी तरह भुनेंगे आलू को, ठीक है। थोड़ा सा हम पानी लगा लेंगे, 1 कप के करीब, अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे, ठीक है। इधर हम चावल भी उबाल लेंगे, ठीक है। वो पानी नहीं डालना, जैसे हम बनाते हैं ना इस तरह हम बनाएंगे, ठीक है, और जैसे पहले बनाते थे वैसे नहीं। ऑयल डालना है और ये कड़ी पत्ता डालना है और 2 टुकड़े दालचीनी के और बड़ी इलायची डाल देनी है। बस इसको कड़कड़ा लेना है अच्छी तरह, बस फिर हमने इसमें पानी लगा देना है। हाँ जी, तो पानी लगा के हमने ऊपर ढक्कन दे देना है। उसके बाद हमने उबाल आने का वेट करना है। साथ हमारे इधर आलू भी बहुत अच्छी तरह से हो गए हैं रेडी। हाँ जी, तो साथ ही जो हमने गोश्त को उबाल के रखा हुआ था, हाँ जी, वो इसमें ऐड करके और इसको भी हम भुनेंगे, ठीक है। ये आप ये देखें, थोड़ा सा पानी भी था गोश्त का, यखनी वगैरह वो हमने इसमें डाल दी थी, ठीक है। आप चाहें तो चिकन से और मटन से भी बिरयानी ये बना सकती हैं। और आप इसको भी हमने ढक देना है। इधर हमारा पानी भी उबल गया है, ये देखें, हमने चावल को धो के रख लिया था, वो भी हमने इसमें अब डाल देने हैं, ठीक है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं चावल, जितने आपने बनाने हों, ठीक है, अपनी फैमिली के हिसाब से कर लें, ठीक है। मसाले भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाँ, तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें हमारे चावल भी उबल गए हैं और हम तय लगा लेंगे, ठीक है। तय के बाद हम ना दाम लगाएंगे। हाँ, तो चावल हमारे आधे कच्चे थे, आधे पक्के हैं, ठीक है, बिल्कुल हमने इसको गलाना नहीं है। हाँ, तो ये देखें सारे मसाले को हमने इसमें डाल दिया है, आलू और गोश्त को। ये ऐसे लग रहा था जैसे आप भी सोच रहे होंगे पता नहीं कैसी बिरयानी बन रही है। हाँ, तो बहुत परफेक्ट और ज़बरदस्ती न्यू स्टाइल की बिरयानी है, आपने बनानी है और ट्राई करनी है और हमें कमेंट में बताना है, ठीक है। हाँ, तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, यही आपकी तरफ से प्यार होता है, एक ही नाम होता है, ठीक है। हाँ, तो ये देखें हमने अच्छी तरह डाल के मिक्स कर दी है, और थोड़े से मैंने बाउल में चावल निकाल लिए थे क्योंकि हमने ऊपर से गिराना है, ये देखें कलर्स, ठीक है। तो ये देखें इसी तरह हमने ऊपर चावल डाल दिए हैं और डाल दिए हैं दोनों कलर, रेड कलर भी डाला है और ये है येलो कलर भी। हाँ, तो साथ ही हम डाल देंगे धनिया, और इसके बाद हम कवर लगा के दम 15-20 मिनट के लिए हम दम लगा देंगे। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बन के, एक एक दाना अलहदा अलहदा बन के रेडी हुआ है। तो मैं कहती हूँ क्या बात है, ज़रूर ट्राई करिएगा। हाँ जी, तो मैं पास ही मामा के खड़ी थी तो मैंने कहा मामा आपने कैसे सारी यानी कि सालन मिक्स कर दिया है और आप लोग कैसे बनाएंगे इसको, तह नहीं लगानी। मामा ने कहा कि मैं क्या करूँगी। हाँ, मैं क्या एक ही तह लगावांगे तो काम मकावांगे क्योंकि गर्मी बहुत है। हाँ जी, तो देखे माशाल्लाह हमारी बिरयानी भी होगी रेडी, ये देखे हम डिश आउट करेंगे, आप फाइनल लुक देख लें। हाँ जी, और आप भी जरूर से इस स्टाइल में ट्राई करिएगा बिरयानी। हाँ,
जी बिरयानी तो हमारी रेडी होगी, अब इसे ट्राई भी कर लेंगे और ट्राई करेंगे मामा। हमने कहा पहले आपने इतनी मेहनत से बनाई, ट्राई भी आप फर्स्ट का आप ही करें। हाँ जी बिल्कुल, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही टेस्टी बन के बिरयानी साड़ी रेडी हो गई। हाँ जी तो आप भी बनाइए, ट्राई करिएगा, बहुत ही परफेक्ट बनी है। हाँ जी तो ये देखिए माशाल्लाह, हमारे बच्चे भी अब खाएंगे, मोहम्मद ईसा और मोहम्मद पहलाज। ये देखिए सैलड भी हमारा रेडी हो गया है। ईसा कहते हैं मामा ये कौन सी बिरयानी है, चिकन डाला है। मैं हाँ बेटा चिकन ही डाला है। इस तरह इसी तरह करके तो बच्चा दाशा ला के गोश्त खुवा सड़ी थे। हाँ जी इसी के साथ इजाजत चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।